मेक इन इंडिया नंबर वन के तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा में पहली तिरंगा यात्रा की। दिल्ली के सिविक सेंटर की 28वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में हुई चूक, एक व्यक्ति खुद को आंध्र सांसद का पीए बताकर घंटों तक गृह मंत्री के इर्द गिर्द घूमता रहा, 3 घंटे बाद किया गया गिरफ्तार। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ छापेमारी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और एक एनजीओ पर भी हुई इनकम टैक्स की रेड। राजनाथ सिंह की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपस में रक्षा मामलों में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। भारत जापानी कंपनियों को निवेश के लिए देगा निमंत्रण। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईसाई धर्मगुरु के घर से मिले 1.65 करोड़, संस्था का नाम बदलकर किया है करोड़ों का गमन, ईओडब्ल्यू ने मारा था छापा। हॉकी विश्व कप 2023 का शेड्यूल जारी, ग्रुप डी में भारत को इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स के साथ रखा गया। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और भारतीय सेना ने किया QRSAM का 6ठा सफल परीक्षण, यह मिसाइल 30 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन की मिसाइलों को करेगा नष्ट। दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लोकार्पण से पहले पीएम मोदी पर भड़की पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा उन्हें निमंत्रण सही तरीके से नहीं मिला। 251 दिनों बाद जेल से रिहा हुआ इत्र कारोबारी पीयूष जैन, उनके घर से 198 करोड़ मिला था कैश।